हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नौटो से पुडिन के एपिसोड नंबर 48 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साई के रूम के लॉक को कोई खोलता है। हम देखते हैं कि वह कैप्टन यामोटो है, जिसे देख साई कहता है, मुझे एक अनबू ब्लैक ऑफ जो सीधा होकागे के अंडर में है, उसे ऐसी ही उम्मीद थी। तुमने मेरी नकली लाश से धोखा नहीं खाया। तब कैप्टन यामोटो कहते हैं, चल अब बता क्या है ये सब। और नौटो साई को पकड़ कर कहता है, कमीने तूने हमें धोखा क्यों दिया। तो साई कहता है, यहाँ ज्यादा हल्ला मत मचाओ वरना मुश्किल में पड़ सकते हो। और तब सकुरा साई को उसकी बुक देती है और कहती है, तुम्हें डांजो ने ऑर्डर दिया था ना, डांजो और उचिमारू के साथ मिला हुआ है और वो कुछ प्लान कर रहा है। तुम डांजो और उचिमारू को मिलाने का काम कर रहे हो, तो बताओ क्या इरादे है उसके। और तब कैप्टन यामोटो कहते हैं, उचिमारू एक बार फिर से लिप विलेज तबाह करने की सोच रहा है ना। जिस पर सही मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। तो नारुतो कहता है, तेरी ये मुस्कुराहट नकली है, मैं जानता हूँ तेरा कहा हुआ हर शब्द झूठ है। इधर काबुटो उस कमरे की ओर आ रहा था, तब सही कहता है, तुमने मुझे ढूंढ लिया मतलब मेरा मिशन नाकाम रहा, और न मैं अकेले तुम सबको हरा सकता हूँ, और ये जानते हुए कुछ छुपाने का फायदा ही नहीं। तुमने सही कहा, हमारा प्लान लिप विलेज को तबाह करना है। मुझे मिशन दिया गया था कि मैं उचिमारू के साथ दोस्ती बनाऊ ताकि हम मिलकर लिप विलेज को तबाह कर सके। और बस इतना ही नहीं, मेरा मिशन का दूसरा मकसद उचिमारू के बारे में जानकारी हासिल करना है और वो सब लॉर्ड डांजो को बताना है। कैप्टन यामोटो एक कोनाई को साई की ओर टारगेट कर कहते हैं, बताता रहे सारी बात बता। और तब सकुरा कहती है, तो तुम्हारे कहने का मतलब तुम अभी उचिमारू के साथ मिले हो ताकि तुम बाद में उसे हरा सको। जिस पर साई कहता है, उचिमारू हमें यकीनन धोखा देगा लिप विलेज के तबाह होने के बाद, पर इस तरह से हम उससे एक कदम आगे रहेंगे। तब सकुरा कहती है, डांजो लिप विलेज को अपना करना चाहता है ना, तुम्हें इतना सब कुछ करने के लिए अकेला भेजा गया। तब साई बहुत सारे स्क्रोल निकालता है और कहता है, जो जानकारी मैंने लिखी है वो छोटे जानवरों का रूप ले सकती है और जानकारी सुरक्षित लिप विलेज तक पहुंच सकती है। साई की इसी खासियत की वजह से ही उसे इस मिशन के लिए चुना गया था। और तब सकुरा कहती है, फिर से कई जाने जाएगी, लिप विलेज कमजोर पड़ेगा, तुझे पता भी है तू ये क्यों कर रहा है। जिस पर साई कहता है, मैं बस ऑर्डर संभाल रहा हूँ। और हाँ एक और बात साई, तो मेरा नाम सिर्फ इस मिशन के लिए रखा गया था, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बस लॉर्ड डांजो का खिलौना हूँ, मेरा तो अस्तित्व भी नहीं है, इसलिए चाहे तुम कुछ भी कहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब सकुरा साई की बुक को देखकर कहती है, फिर तुझे उस बुक की इतनी परवाह क्यों है, इस बुक पर जो दो लड़के हैं वो तू और तेरा भाई है ना, तुझे इस पिक्चर बुक से इतनी लगाव क्यों है, क्योंकि यही एक चीज तेरे अस्तित्व का कारण है, तू अपने इमोशन को पूरी तरह नहीं मिटा सकता। और इसका सबूत ये है कि जब मैंने तुझे ये बुक दी तब तूने मुझे थैंक्स कहा और तेरे चेहरे पर एक संतुष्टि आई, क्योंकि ये बुक ही तेरे अस्तित्व का सबूत है। जिस पर साई कहता है, मैं समझा नहीं, ये बुक मेरे अस्तित्व का कारण कैसे है। तो सकुरा कहती है, तेरे लिए इस बुक की अहमियत इसलिए है क्योंकि इससे पता लगता है तू किसी का छोटा भाई है, क्योंकि तेरे लिए तेरे भाई का रिश्ता बहुत जरूरी था, तू अपने भाई से वो रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता। और तब कैप्टन यामोटो कहते हैं, सॉरी पर हमें इस बुक को खोलकर देखना पड़ा, जिसका सिर्फ बीच वाला पन्ना ही अधूरा था। साई मैं जानता हूँ तू फाउंडेशन से है और तुझे खास ट्रेनिंग भी मिली होगी डांजो से अपने इमोशन छुपाने की, ये बिल्कुल उसी तरह की ट्रेनिंग है जो पहले विलेज हिडन इन द मिस्ट में हुआ करती थी अपने इमोशन पर काबू पाने के लिए। तब नारुतो कहता है, जहाँ का जाबूजा था बहुत पहले हिडन इन द मिस्ट में, जिसे खूनी मिस्ट विलेज भी कहा जाता है, जिसमे एक फाइनल टेस्ट होता था निंजा बनने से पहले, जिसमे तुम्हें बाकी स्टूडेंट को मानना पड़ता था पास होने के लिए। और कैप्टन यामोटो कहते हैं, तुम्हारी बुक के पेज को देखकर लगता है कि तुम एक एक कर सबको हरा रहे हो और उनके हथियार और कवच ले रहे हो, बीच वाले पेज पर सिर्फ तुम हो, मतलब तुम्हें अपने बड़े भाई से लड़ना पड़ा और तुमने उसे मार दिया। जिस पर साई कहता है, नहीं
माँ ये उसको तोहफे में देना चाहता था, पर उससे पहले कि माँ ये पूरा करता वो बीमारी से मर गया। साई मुस्कुराते हुए ये सब कहता है तो सकुरा याद करती है कि साई ने उसे कहा था कि उसे नहीं पता कि इंसान अपना भाई को खोने के बाद कैसा चेहरा बनाते हैं। और तब साई कहता है फाउंडेशन में ऐसा बहुत से है जो अपने परिवार खो चुका है, वो भी उनमें से एक था। वो मेरा असली भाई जैसा बन गया, पर हमारा खून का रिश्ता नहीं था, पर वो मेरी ड्रॉइंग की तारीफ करता था। इस पिक्चर बुक में मैं जो उसे सबसे ज्यादा दिखाने वाला था वो थी बीच वाली पेज, पर उसके मरने के बाद मैं भूल गया कि मैं क्या ड्रॉ करने वाला था। और तब तक काबुटो उस कमरे के पास आ गया था और काबुटो देखता है कि साई अपने कमरे में नहीं है। इधर कैप्टन यामोटो साई को बांध कर रखते हैं और तब नारुतो कहता है ठीक है तो अब अपने मिशन पर चलते हैं सास्के को बचाने। जिस पर साई कहता है कोई फायदा नहीं, मैं अभी बस सास्के से मिला था। सास्के हमेशा उरुचिमारु के साथ रहता है, तुम्हें फिर से उरुचिमारु से लड़ना पड़ेगा उसे बचाने के लिए। उरुचिमारु तुम्हारे टुकड़े कर देगा और अपना टेस्ट सब्जेक्ट बना देगा। और हाँ, सास्के को तुम्हारी परवाह नहीं। सकुरा ने कहा था तुम सास्के को भाई जैसा मानते हो, तो फिर क्यों तुम ऐसे आदमी को बचाना चाहते हो जिसे तुम्हारी परवाह नहीं, उसके लिए तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। उरुचिमारु के पास जाकर तुम्हें तो किसी ने ऑर्डर भी नहीं दिया। जिस पर नारुतो कहता है मैं पहले सास्के से नफरत करता था, हम दोनों के पास परिवार नहीं थे फिर भी हमारी नहीं बनती थी, पर उसके साथ रहकर मुझे हमेशा अच्छा लगता था क्योंकि उसी ने मुझे स्वीकार किया जितना किसी ने नहीं किया। सास्के मेरा दोस्त है, हमारी दोस्ती में थोड़ा समय लगा पर अब हमारे बीच एक खास रिश्ता है। तो साई कहता है पर फिर भी तुम्हारा दुश्मन उरुचिमारु है। जिस पर नारुतो कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा दुश्मन कौन है, अगर उरुचिमारु मेरा हाथ तोड़ेगा तो मैं उसे लातों से मारूंगा, अगर लात तोड़ेगा तो उसे अपने मुंह से काटूंगा, अगर मेरा मुंह तोड़ देगा तो उसे घूर कर हरा दूंगा, और अगर आंखें खराब कर देगा तो उसे शराब दे दूंगा। चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए पर मैं सास्के को उरुचिमारु से बचा कर रहूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।